सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि नास्त्रेदमस ने 2017 और 18 के बारे में क्या भविष्यवाणियां की है। देखिए, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ज्यादातर हम देखें तो सही होती है। उन्होंने कई सारी भविष्यवाणी ऐसी की है जो आज तक सही साबित हो चुकी। नास्त्रेदमस को इसके बारे में सब पता कैसे चला, कैसे उन्होंने इतने सालों पहले भविष्य को उन्होंने देख लिया था, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। तो 2017 और 2018 के बारे में उन्होंने कई भविष्यवाणी की है, उनमें से कई भविष्यवाणी हमारे देश के लिए भी है। उन्होंने ऐसा कहा है कि 2017 में भारत की सत्ता पर जो भी आदमी बैठा होगा वो 2026 तक भारत पे यानी कि राज करेगा, 2070 से लेकर 2026 तक, और उसके कार्यकाल में भारत एक महाशक्ति रूप में विश्व के पट पे उभरेगा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कहा है कि इन समय के बीच में यानी कि 2017 से 2018 के बीच में भारत में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और भारत अपनी नई बुलंदियों को छुएगा और इस समय की उसकी जो विकास यात्रा होगी उसको सदियों तक याद रखी जाएगी, ऐसा नास्त्रेदमस ने कहा है। उन्होंने और भी कई भविष्यवाणियां की है। चीन के बारे में उनका जिक्र है, आज हम जानते हैं कि चीन अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए जूझ रहा है, तो ये भी नास्त्रेदमस ने पहले बताया हुआ है कि 2017 से 2018 तक चीन को आर्थिक जो उसकी व्यवस्था है उसके लिए जूझना पड़ेगा, और इसके लिए चीन की जो सरकार है वो कई सारे कड़े फैसले लेगी, और इसके कारण उन लोगों की अर्थव्यवस्था आगे के समय में बहुत अच्छी भी होगी। फिर सबसे बड़ी एक भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने की थी 2017 और 18 के बारे में जो सही साबित हो चुकी, वो उन्होंने की थी इटली के बारे में। नास्त्रेदमस ने कहा है कि इटली को अपनी आर्थिक व्यवस्था, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनमें उन लोगों को भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। आज सही में इटली की आर्थिक व्यवस्था दयनीय है, ये भविष्यवाणी नास्त्रेदमस की सच हो चुकी है। रशिया के बारे में नास्त्रेदमस कहते हैं कि 2017-2018 में सबसे बड़ी महाशक्ति रशिया ही होगा, और वो कई सारी संधियां भी करेगा जिससे अमेरिका उनके विरोध पक्ष में होगा और अन्य जो यूरोपीय देश है वो रशिया के समर्थन में आ जाएंगे, ऐसा नास्त्रेदमस ने और देशों के बारे में कहा है। भारत के बारे में उन्होंने 2017 से लेकर 2026 का समय उन्हें बहुत ही अच्छा बताया। फिर उन्होंने ऐसा कहा है कि इन समय में भारत में कुछ ऐसा होगा जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदल दे। 2017 में कुछ ऐसा होगा, ऐसा नास्त्रेदमस ने कहा है कि जिससे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो अभी इस तरह से हम देखें तो 2017 में मोदी साहब ने सिर्फ ये नोटबंदी की थी, तो शायद ये हो सकता है, लेकिन 2018 भी अभी बाकी है, तो देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसको हम भुला नहीं पाते। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।